अबे फिर से आज चीटियों की तरह गाइस इन लोगों ने मेरी गाड़ी को टांग लिया है। अरे फिर मैं कुछ तो सोचो यार, आगे क्या करना है। अबे क्या सोचूं यार मैं, मेरे को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई। अरे यार फिर भी भाई साहब, यार कलुआ तेरे को कुछ तो सोचना पड़ेगा यार। तू फिर कलुआ कह रहा है भाई साहब, लोगों ने तुझे पता है ना क्या क्या कहा है कमेंट में। अबे ठीक है भाई साहब, अब से मैं तुझे फ्रैंकलिन कहूंगा, ठीक है खुश कलुए। अबे देख फिर कलुआ कह रहा है। अबे ठीक है फ्रैंकलिन। अबे हां ठीक है। वैसे यार तुम्हारे पास कुछ तगड़ा आइडिया है क्या यार, हम लोग क्या करें। मैं तो कह रहा था यार एक बार चेक करके आते हैं घर पे, क्या पता 1000 सिंचन गायब हो के वापस से एक सिंचन बच गया हो। ऐसा हो सकता है? अबे भाई साहब यार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यार एक काम करते हैं। हाँ सही कह रहा है यार, लेकिन भाई साहब अगर फिर से फंस गए तो। अरे है ना अपनी खटारा वाली बाइक। अबे ये वाली बाइक कब धोखा दे दे, कोई भरोसा नहीं है। ये देखो गाइस इसमें से किस तरीके से भाई धुआं निकल रहा है, और एक सेकंड ये पेट्रोल भी लीक कर रहा है क्या। अरे हाँ एक एक बूंद लीक कर रहा है। भाई साहब इस तरीके से चलता रहा तो पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। अरे कोई नहीं यार, काम तो आ रही है ये वाली बाइक। अबे क्या है ये वाली बाइक, कभी इसकी स्पीड बढ़ जाती है तो गाइस कभी घट जाती है, बट हाँ यार थोड़ी बहुत तो काम आ रही है। भाई साहब फ्रैंकलिन तो चल यार इसी वाली बाइक से चलते हैं। अरे हाँ हाँ चलो फ्रैंकलिन भैया आ जाओ यार, देखते हैं भाई क्या पता शिनचैन ठीक हो गए हो। गाइस यार मेरे को तो लग रहा है यार काश वो ठीक हो गए हो, वरना तो भाई आज फिर दिमाग खराब हो जाएगा। अरे ठीक हो गए होंगे यार, तो आ जाओ फिर देखते हैं यार क्या हुआ है वहाँ पर मामला। भाई साहब कलुए जा रहा है। फिर कलुए बोल रहा है तू? अब ठीक है भाई साहब फ्रैंकलिन जा रहा है। हाँ हाँ जा रहा हूँ भाई, वैसे तू भी चलेगा क्या? अरे फैमिया वैसे ही जगह नहीं है यार, इसको छोड़ो। अब हाँ मेरे को वैसे भी नहीं जाना भाई साहब, पता चला वहाँ पर जाकर ही पेट्रोल खत्म हो गया तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाऊंगा मैं हजारों शिनचैन के भी। ठीक है मत चल गाइस, हम लोग ही जा रहे हैं भाई, चौब हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। अबे ठीक है, तब तक तो मैं भाई साहब यहाँ पर मौज करूंगा। तो कर भाई मौज, फिलहाल तो गाइस हम लोग मिलने जा रहे हैं अभी शिनचैन से, देखते हैं गाइस सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। ऐसे यार ओ भाई ये कौन है? अरे फैमिया उस वाले आदमी ने गाय उड़ा दी, पागल था क्या वो। ओके सो गाइस यार भाई साहब उस गाय को ज्यादा चोट नहीं आई। अरे वो ठीक है अब। ओके सो गाइस फटाफट से चलते हैं। वैसे यार मैं क्या कह रहा था, अरे यार तुम कह रहे थे कि पता नहीं वो ठीक हो गए होंगे 1000 सिंचन की नहीं। अबे हाँ यार मेरे को तो टेंशन हो रही है, तेरे को लग रहा है ना भाई 1000 सिंचन ठीक हो गए होंगे, लेकिन यार मेरे को तो अभी भी लगता है वहाँ पर 1000 के अब तो 10000 सिंचन हो गए होंगे। अरे क्या पता यार, एक बार चल कर देखते हैं गाइस क्या सीन हो रखा है वहाँ पर। अरे चलो थोड़ा तेज बताओ, थोड़ा तेज ये ले भाई साहब। ओ अरे क्या हो क्या, अबे अपने आप ही इसकी स्पीड स्लो हो गई। अबे ये क्या हो रहा है? अरे यार ये तो कल की तरह ही हो रहा है। अबे हाँ यार कल भी ऐसा ही हो रहा था गाइस, जब हजारों शिनचैन मेरे पीछे पड़े थे, अपने आप ही इसकी स्पीड पता नहीं कैसे स्लो जाती है। फिलहाल तो छोड़ो यार, अपने पास और कोई चारा भी नहीं है, यही वाली बाइक है। अभी गाइस जल्दी से अपने घर की तरफ चलता हूँ मैं, देखते हैं 1000 सिंचन है कि नहीं है। अरे जल्दी चलो जल्दी। अरे फैमिली इस बाइक को क्या हो गया? अबे भाई साहब इसका आई थिंक गाइस पेट्रोल पूरा का पूरा अब लीक होने लग गया है। अरे हाँ यार ये देखो लाइन बनती जा रही है। अबे भाई गई गई ये वाली बाइक गई। अरे मतलब? मतलब क्या भाई, ये वाली बाइक पूरी खराब हो चुकी है। गाइस ये देखो यार कितना सारा पेट्रोल इसके नीचे से लीक कर रहा है, और पेट्रोल भी खत्म हो गया भाई इसके अंदर का सारा लीक हो के। अरे अब क्या करें? अब क्या यार कोई नई गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। ये देखो गाइस ये तो पूरी बर्बाद हो गई, इसकी ऐसी की तैसी, कलर टाइम पे धोखा दे दिया। अरे लेकिन यार हेल्प भी तो करी थी इसी वाली बाइक ने। छोड़ यार मेरे को तो वहाँ पर एक कार नजर आ रही है। अरे तो चले यार इसी की छीन लेते हैं। हेलो सर जी, अरे सर जी कार दे दो। अरे यार किसकी, ओ यहाँ पर एक कार है। अरे फैमिया मेरे ऊपर वो गाड़ी चढ़ा देता। चढ़ाई तो नीनो, बस शांत रह तू। अबे यार ये वाली गाड़ी, अबे शिट भाई। अरे यार मैंने तो उसे रोकने की कोशिश करी थी। ऐसे नहीं रोकी जाती गाड़ियाँ, मैं तुझे रोक के दिखाता हूँ। अच्छा तो ठीक है यार रोक के दिखाओ। आ जा इधर आ जा, देखिए वाली गाड़ी है, हटो भाई साहब चलो बाहर निकलो। मेरी बाइक लेनी है तो ले लो, वरना निकलो यहाँ से। अरे वाह यार बहुत ही बढ़िया, देखा है इस तरीके से बाइक छीना जाता है। अब ये पीछे पड़ा है हमारे, अरे भाग गया डर के। तो गाइस इस वाली गाड़ी को हम लोगों ने छीन लिया। चलो भाई साहब वो वाली बाइक खराब हो गई, अब ठीक ठाक गाड़ी मिल गई है भागने के लिए। अरे अब जल्दी से चलो। ऐसे यहाँ पर पुलिस वाला था वो तो सही है, इसने देखा नहीं। अरे चलो ना यार 1000 सिंचन देखने। अबे मेरे को यार लग रहा है कि वो बहुत सारे हो गए होंगे। गाइस बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बट यार हम लोगों को सिंचन से मिलने आखिर जाना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है गाइस वो लोग होंगे कि नहीं होंगे? फटाफट से जाकर गाइस कमेंट में बताओ। और गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ गाइस फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि यार सिंचन जब हमसे आखिरी बार मिला था जब ठीक ठाक था, तो उसने यार चैनल को सब्सक्राइब करने को ही कहा था। तो फटाफट से जाकर वीडियो को 30,000 लाइक तक पहुंचा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे फैबिया आ गया तुम्हारे घर की तरफ। आ गए यहाँ पर सिंचन तो नजर नहीं आ रहा है मेरे को। अरे तो चलो यार आगे चलते हैं, क्या पता एक ही हो गया हो। अबे हाँ सही कह रहा गाइस, एक ही हो गया होगा तो मजा आ जाएगा। अरे फैबिया चलो आराम से। अबे आराम से ही जा रहा हूँ यार, वैसे यहाँ तक अभी तक मेरे को एक सिंचन भी नहीं दिखा है। अरे इसका मतलब ठीक हो गए? इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओके सो गाइस, नहीं गाइस यहाँ पर अभी तक मेरे को एक भी नहीं दिखा है। अरे चलो यार घर के अंदर चलते हैं। चलते हैं गाइस, मेरे को लगता
लगता है हम लोग बच गए यार, शिनचैन सारे के सारे ठीक हो चुके हैं। ओ भाई साहब शिनचैन कहाँ है तू? ओ शिनचैन कहाँ है तू? अरे फैबियन भैया बोलो। भाई साहब यार भागना पड़ेगा यहाँ से। अरे फैबियन तो भागो ना। अबे पिंचन भाई जल्दी से गाड़ी के अंदर आ जा। अरे पिंचन यार मैं हूँ। अबे भाई साहब तू इनके बीच नजर भी नहीं आ रहा। अबे पिंचन भाई जल्दी से आ जा, ये लोग मेरी गाड़ी पे टूट पड़े हैं। अरे लेकिन मैं आऊँ कैसे तुम्हारे पास? अरे यार ये तो गाड़ी पे चढ़ भी गए भाई साहब, हजारों शिनचैन का गाय तुम लोग आतंक देख पा रहे हो शहर में। अबे हट जाओ यार। अरे फैंकी भैया मुझे तो बिठाओ। अबे तू पिंचन है कहाँ, इतनों के बीच मुझे नजर भी नहीं आ रहा। गाइस एक पिंचन तू एक काम कर, तू इधर जल्दी से दौड़ता हुआ। अरे कैसे आऊँ यार, इधर तो बहुत सारों ने घेर रखा है। अबे तू भाई कुछ भी कर गया भाई, लेकिन तू इधर आ। अरे गाइस यार ये पिंचन को क्यों लेकर आया मैं, उधर ही से भी छोड़ देना चाहिए था। ये हजारों शिनचैन के बीच ये पिंचन भी खो गया। ओ ये रे पिंचन। अरे यार अभी एक सेकंड के लिए दिखा था। अबे फिर से आज चींटियों की तरह गाइस इन लोगों ने मेरी गाड़ी को टांग लिया है। ओ पिंचन। अरे फैबिया यही हुई यार, बैठने का मौका तो दो। अबे कैसे बैठने का मौका तू भाई? ओके सो गाइस इसमें से पिंचन कहाँ है? पिंचन कहाँ है? ओए पिंचन पिंचन पिंचन। अरे मैं यहीं पर हूँ यार, दरवाजा खोला तो सही मैंने। अबे यार तो तू नजर कहाँ रहा इतनों के बीच? अरे गाइस सारे कपड़े एक जैसे। अबे पिंचन भाई तेरे कपड़े कौन से थे, मैं तो तेरे कपड़े ही भूल गया। अरे ग्रीन वाले। अबे यार ये पिंचन कहाँ है गाइस? ओए पिंचन पिंचन। अरे बैठ गया मैं। बैठ गया? अरे कब बैठा, लेकिन मेरे को खुद नहीं पता। अबे तेरे को खुद नहीं पता? अरे हाँ यार मेरे को खुद पता नहीं चला। अबे ऐसे कैसे हो सकता है, पता तो चला ही होगा। अरे यार मैंने तो बस दरवाजा खोला था, इतनी जोर से पीछे से धक्का आया कि मैं खुद ही अंदर चला गया। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ यार सच में ऐसा हुआ। अरे वैसे ये सब कौन है? अबे ये सब यही शिनचैन भाई, देख रहा कितने सारे गाइस फेक शिनचैन आ चुके हैं। पूरे के पूरे गाइस लॉस सैंटोस में शिनचैन ही शिनचैन भर गए हैं। और गाइस तुम लोग देख पा रहे हो ये दिन पर दिन डुप्लीकेट होते जा रहे हैं। अरे हाँ यार रोज बढ़ते जा रहे हैं। गाइस देख सकते हो यार हजारों की तादाद में शिनचैन है। अरे फैबिया चलो यार भागो। हाँ गाइस अभी हम लोगों को यार यहाँ से भागना ही पड़ेगा। भाई साहब यार लेकिन असली शिनचैन से मन कर रहा है मिलने का। अरे कैसे मिलेंगे यार, वो तो इधर दिख भी नहीं रहा। अबे कौन सा यार, दिखने को तो दिख ही रहे हजार, लेकिन असली वाला कौन सा है पता ही नहीं चल रहा। अरे हम क्या करेंगे असली वाले को ढूंढने के लिए? कुछ भी समझ नहीं आ रहा गाइस, पता नहीं अब असली वाला शिनचैन हम लोगों को कभी देखने को मिलेगा। फिलहाल तो देख सकते हो यार। ओ भाई इतने कैसे हो गए? अरे घट रहे हैं क्या? लग तो रहा है। अबे भाई साहब बाकी के सारे इधर है, चींटियों की तरह आ तो रहे लाइन बना के पीछे। अरे फैबिया तो अब हमें भागना चाहिए। अबे हाँ भागना चाहिए, वरना भाई साहब एक बार घिर गए ना इनके बीच तो गाइस हम लोग नहीं बच पाएंगे। अरे वैसे हम लोग करने क्या आए थे? भूल गया, हम लोग ये देखने आए थे कि क्या पता हजार शिनचैन ठीक हो गए हो। अरे हाँ यार सही कह रहे हो, लेकिन अब तो पता चल गया भाई हजार क्या एक भी शिनचैन कम नहीं हुआ है, इतने सारे बल्कि और ज्यादा बढ़ ही गए हैं यार। लो भाई साहब यहाँ पर भी आ गया। अब 2 मिनट चैन से बोलने तो दो मुझे। अरे नहीं बोलने देंगे ये लोग। अरे शिनचैन। अरे भैया बोलो मैं ही हूँ यहाँ पर। अबे देख रहा भाई कितने सारे लोग एक संग बोल रहे हैं। अरे हाँ यार कैसे पता चलेगा इसमें से असली कौन है? गाइस ये हजार शिनचैन के भाई साहब टोली ने दिमाग खराब कर रखा है। अरे गाइस आज तो ये सारे के सारे शिनचैन पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं। अरे फैबिया मैं तो कहता यार इस जगह को छोड़कर हम लोग पहाड़ों की तरफ चलते हैं। अबे हाँ यार सही कह रहा पिंचन, हम लोगों को पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए। अरे यार लेकिन चौप। अबे हाँ यार इस चौप के बच्चे को भी तो उठाना है, मतलब पिकअप करना है। अरे तो चलो यार चौप को लेकर ही चलते हैं। ठीक है यार वो छोड़ देंगे ये भी चौप को। अरे फैबिया पागल हो गए हो क्या, फिर वो चिल्लाएगा। सही कह रहा है, भाव भाव करेगा कुत्ते की तरह। अरे तो वो तो है ही कुत्ता। अरे मतलब दिमाग खराब करेगा यार ये समझ के। सो गाइस चौप को उठाकर हम लोग मतलब चौप को भी पिकअप करके यार हम लोग फटाफट से पहाड़ों की तरफ चलते हैं, क्योंकि इधर तो लगता है यार वो लोकेशन पर भी आ जाएंगे ये लोग। अरे हाँ सही कह रहे हो, पूरी की पूरी मंडली बना रखी है हजार लोगों की। भाई साहब तेरा तो चढ़ना मुश्किल कर दिया था, ये तो चढ़ने नहीं दे रहे थे तेरे को। अरे यार मेरे को तो खुद ही पता नहीं चला यार मैं कब चढ़ गया, मेरे को तो लगा मैं बेहोश हो गया। भाई साहब उतने के बीच तो दबके कोई भी बेहोश हो जाए, जैसे तेरे को सच में नहीं पता चला तू कब चढ़ गया। अरे हाँ यार कह तो रहा हूँ, जैसे ही दरवाजा खोला पता नहीं पीछे से कब धक्का आया और मैं अंदर भी घुस गया, मेरे को पता भी नहीं, मेरे को लगा गाड़ी के नीचे हूँ लेकिन बाद में पता चला गाड़ी के अंदर हूँ। ओके सो गाइस तुम लोग देख पा रहे हो हम लोग पहुँचने वाले हैं चौप की तरफ। वैसे ये चौप कहाँ पर है यार? अरे वैसे मेरे को नहीं पता यार कहाँ चला गया। वो रहा वो फैक्ट्री। अरे फैक्ट्री नहीं गाँव था। अबे जो भी था गाँव था फैक्ट्री थी जो भी हो। गाइस हम लोग फटाफट से यहाँ पर आ चुके हैं और वो गाय भाई साहब यहीं पर खड़ी है। अरे शायद हमें थैंक यू बोलने के लिए। भाई साहब
उसकी दूसरी बहन देख रहा है तू? अरे भाई भैया इसको भी टक्कर मारती, इसकी ऐसी की तैसी, भाई साहब जिसको देखो टक्कर मारे जा रहा है। बट गाइस ये भी पिछली गाय की तरह स्ट्रांग है और ये भी उठ के वापस अपने रास्ते चल दी। अरे भाई भैया छोड़ो यार दोनों मिल गए, दोनों दोस्त गाइस मिल चुके हैं फिलहाल, तो छोड़ो यार हम लोग फटाफट से चलते यार चॉप के पास। ये चॉप हाँ इधर ही था ना चॉप। भाई साहब कलवे आ गया। आ गया भाई, मैं ठीक हो गया चिंचन। तुझे क्या लगता है अगर ठीक हो गए होते तो हम लोग तेरे पास आते? भाई साहब इसका मतलब तुम लोग नहीं आते। यार मतलब आते बाद में आते, लेकिन भाई नहीं हुए ठीक चिंचन, अभी भी हजार के आप तो मुझे लग रहा है गाइस 10-12 हजार हो गए। अरे भाई तो लोग ठीक कैसे होंगे? भाई साहब यार कलवे कब ठीक होंगे वो लोग? अबे भाई ये सवाल तू अभी मत पूछ, क्योंकि चिंचन की टोली अभी दौड़ती हुई यहाँ पर ही आने वाली है, इसलिए हम लोगों को ये इलाका भी खाली करना पड़ेगा। कलवे क्या बात कर रहा है? हाँ भाई साहब वो लोग हाथ धोकर इस बार पीछे पड़े हैं। तो इस बार कहाँ जाएगा तू? कहीं नहीं भाई, चलते हैं पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों की तरफ और कोई चारा भी नहीं भाई, चौप फटाफट से बैठ जल्दी से। अरे फैबे जरा बताओ तो यार ये कौन सी जगह पर लेकर आके? अबे भाई साहब मैं किसी पहाड़ वहाड़ के गांव में लेकर आया हूँ, और तू देख रहा है वहाँ पर एक घर है, वहीं पर जाकर हम लोग रुकने वाले हैं। अरे वो किसका घर है? पता नहीं भाई साहब, इतनी देर से हम लोग चले जा रहे हैं, उस वाले घर के अलावा और मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, और एक वो लाइट हाउस दिखाई दिया है, और साथ में उधर एक टापू भी नजर आया। वैसे टापू पर तो हम लोग नहीं जाने वाले हैं, आई थिंक उस वाले घर में जाना ठीक रहेगा। अरे उस घर के आदमी ने नहीं रखा तो कह देंगे ना भाई हमारी जान खतरे में। अरे फैबे तो चलो यार। ठीक है यार ऐसे पार करना पड़ेगा क्या? अरे यार आगे ब्रिज है। भाई साहब कलुआ तू अंधा हो गया है क्या? फिर कलुआ बोला तू? भाई साहब यार फ्रैंकलिन तू अंधा हो गया है क्या? क्यों बे? अबे तेरे को ये ब्रिज नजर नहीं आता? मेरे को लगा भाई इसे ऐसे नीचे से भी पार करना है। वैसे यार नीचे से भी पार कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये देख बिना ब्रिज के भी बेवकूफ है ये ब्रिज बनाने वाले। अरे यार जब बरसात में पानी भर जाएगा इसमें तब कैसे पार करोगे? हाँ तब के लिए ये ब्रिज ठीक है, अब एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ गाँव के पास, ज्यादा ब्रिज के बारे में मत बताओ तुम लोग मुझे। अब ठीक है चलो आगे। ओके सो गाइस तुम लोग देख पा रहे हो कोई पुराने जमाने वमाने का घर लग रहा है मेरे को। अरे चलो यहीं पर रुकते हैं। हाँ एक रात एक दिन चार पांच दिन या एक हफ्ता या एक महीने एक साल भी यहीं पर रुकना पड़ेगा। अरे क्या बात करे यार तब तक हजार चिंचन ठीक नहीं होंगे क्या? शायद पिंचन कोई भरोसा नहीं है। भाई साहब कलुआ ऐसा मत कह यार। तू फिर कलुआ? अबे ठीक है यार भाई साहब, यार फ्रैंकलिन तू ऐसा मत बोल। अबे तू चुप हो जा। अरे वैसे भाई साहब यहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं क्या? क्या बकवास कर रहे हो, इससे तो बोलना ही नहीं है मेरे को। ओ भाई साइकिल। अरे चलो चलो चलाते हैं। जिसका आगे वाले पहिया है ही नहीं। अरे टायर नहीं है। तो टायर नहीं है तो तू वैसे भी चला लेगा? अरे हाँ मतलब वही नहीं चला सकते। वैसे गाइस मेरे को लग रहा है यार इसमें लोग नॉर्मली रह सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं। इधर भी देखो, इधर भी देखो, एक है कोई परिवार वरिवार नहीं रहता। अरे इधर देखो यार खेती भी हो रखी है। देख भाई साहब मैं कह नहीं रहता कोई परिवार नहीं रहता, यहाँ पर देख एक बुढ़े अंकल है, यहाँ पर भी एक भाई है। हाँ गाइस और वो दूध के लिए देख कैन रखा है। अरे दूध भी होगा क्या? पता नहीं। दरवाजे के अंदर चले क्या? ओ भाई साहब दरवाजे में कोई है, मतलब घर में कोई है? ओ भाई अरे तो खोल ही नहीं रहा कोई। अरे शायद दरवाजा बंद है। छोड़ो भाई साहब, अबे ये भी खाली था यार। वैसे गाइस यार यहाँ तक तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था यार शिंचन से बच के आ पाना, बट मेरे को लगता है यार शिंचन यहाँ पर नहीं आने वाले। तब तक हम लोग एक काम करते गाइस यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या चीज है। अरे फैबे ये देखो यार यहाँ पर बंद गोभी, और ये गन्ना है कि पता नहीं क्या है, और गाइस ये देखो यार कद्दू। अरे सीताफल। सीताफल बोल चाहे कद्दू बोल, बात तो एक ही है। वैसे ये सब छोड़ यार, मेरे को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा भाई हजार सिंचन से कैसे बचेंगे, काश कोई मदद करने वाला होता। अरे फैमे हाँ यार सही कह रहे हो यार, कोई बता देता कि वो हजार सिंचन का अंत कैसे होगा। अबे अंत नहीं भाई, वो हजार सिंचन वाली प्रॉब्लम आखिर सॉल्व कैसे होगी भाई? हम लोग बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है यार, हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े वो लोग, चैन से एक पल नहीं जीने दे रहे। अरे हाँ यार इन हजार सिंचन ने तो जीना ही मुश्किल कर रखा है। वैसे एक ही सिंचन ने जीना मुश्किल कर रखा था। अरे मतलब एक सिंचन बहुत परेशान करता था, ये हजार सिंचन की टोली तो टूटी जाती है हमारे ऊपर भाई। कुछ तो रास्ता मिल जाएगा यार, इनसे बचने को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे काश कोई रास्ता मिल जाए। हाँ यार मजा आ जाएगा। ओ भाई वो नीचे कौन है? अरे पता नहीं, एक बार चलकर देखते हैं। भाई साहब पहली बार मेरे को इधर कोई दिखा, इधर तो लोग शराब पी रहे हैं कद्दू खा रहे हैं, ये बंदा अलग ही जाकर पत्थर पे क्यों बैठा है ऐसे योगा वाले पोजीशन में? अरे पता नहीं, चलकर देखते हैं। भाई साहब फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा है? पर तू चुप हो जा। ओके सो गाइस, ओ भाई साहब लहरें इतनी जोर जोर से आ रही है, फिर भी उस आदमी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। ओ तेरी। अरे फैमिया लगता है वो आदमी पावरफुल आदमी है। देखने में तो हड्डी लग रहा है, पावरफुल कहाँ से लग रहा है तेरे को? अरे पावरफुल मतलब यार मतलब उसके पास पावर्स है। होगा कोई गुरु गुरु, चल एक बार मिल के आते हैं। अरे हाँ चलो। ओके सो गाइस देखते हैं यार कुछ हमें कुछ बता पाता है क्या। वैसे देखने से तो कुछ पुराने जमाने का बाबा बाबा लग रहा है। ओ बाबा जी हेलो बाबा जी, अरे तुम्हारे ऊपर ही हम लोग बोट लेके आ जाएंगे। ओ बाबा जी बता दो कुछ, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग करी? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, भागना पड़ेगा यहाँ से।
अरे यार डरते क्यों हो यार, बताओ ना कौन हो। अच्छा तेरे को डर नहीं लगा? अरे हाँ यार, वैसे भी क्या उखाड़ लेंगे वो। हाँ ये बात भी ठीक है। अरे बाबा जी, हमने तुम्हारी तपस्या भंग करी है। किस लिए मूर्ख? मूर्ख सीधे। अरे यार वो लोग ऐसे कहते हैं यार, थोड़े गुस्से वाले होते हैं। अच्छा अच्छा, अरे वो असल में बात कुछ ऐसी है, हमारा एक दोस्त है जो कि हजार हो चुका है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे मतलब वो एक ही था और रातों रात पता नहीं उसके संग क्या हुआ, सुबह उठ के देखा तो वो हजारों में बदल गया है। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ यार बाबा जी, सच में ऐसा हुआ है यार, हमारा छोटा सा दोस्त 5 साल का शिनचैन। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ हाँ भाई, सच में ही ऐसा हुआ है भाई, कुछ तू हमारी हेल्प कर सकता है तो प्लीज कर दे। अरे मैं तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। अरे प्लीज भाई, कुछ याद करके कुछ बता सकता है तो बता देना प्लीज। ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं, शायद कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तो हम तब तक क्या करें? हम एक काम करते हैं, इस वाले पत्थर पे खड़े हो जाते हैं ना, इस वाली बोट को छोड़ के। अरे यार इतनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही है, हमें उड़ा दिया तो। उस वाले बाबा को तो उड़ा नहीं पा रही है, हमें कैसे उड़ा देंगे? अरे हाँ यार ये बात भी सही है। आजा फटाफट से उतर 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 आ जा इस पत्थर पे भाई साहब, लहर आ गई। ओ बच गया, मैं तो बच गया बच गया बच गया। ओ भाई साहब, अरे मैं भी बच गया। लेकिन वो बोट गई यार, हम लोग वापस वहाँ पर कैसे जाएंगे? अरे वो सब छोड़े यार, बाबा से पूछो ना। अरे बाबा जी भाई, तुम कुछ बताने वाले थे, प्लीज बताओ इससे पहले कि हम लोग डूब। अरे ठीक है, मुझे सब याद आ गया। वो याद आ गया, याद आ गया। अरे क्या याद आया जरा वो भी तो बताओ। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे सुन रहे, बोलो बोलो। ये बात है याद से हजार साल पुरानी। हजार साल पुरानी? अरे ऐसा क्या हुआ था हजार साल पहले? ये तो सीधे हजार साल पास्ट में पहुंच गया यार। अरे फ्यूचर की बात करो यार, कैसे हम लोग ठीक करेंगे? शांति से सब बात सुनो मेरी, वरना जाओ यहाँ से। ठीक है सुन रहे, बताओ हजार साल पहले क्या हुआ था? तो बात है हजार साल पुरानी, काली अंधेरी रात थी और बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी और एक आदमी अपने घर के बाहर खड़ा था और तभी अचानक से क्या होता है? अरे क्या होता है? अबे चुप हो जा 2 मिनट। तो तभी अचानक से उसके ऊपर कड़कती हुई बिजली गिरती है और आसमान से एक जादुई पत्थर आता है, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा होता है। अरे फिर क्या होता है? अरे फिर क्या होता है? तू चुप हो जा 1 सेकंड। फिर वो पत्थर धीरे धीरे उस इंसान के ऊपर जा रहा होता है। फिर वो पत्थर पूरी तरीके से उस इंसान को दबा देता है। फिर क्या होता है? फिर अगली सुबह वो इंसान के ऊपर से वो पत्थर गायब हो चुका होता है, वो इंसान 6 लोगों में बदल जाता है। अच्छा 6 मतलब वो इंसान 6 टुकड़ों में बढ़ जाता है? 6 टुकड़ों में नहीं, 6 गुना बढ़ जाता है। अच्छा फिर 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, 48 से 96, 96 से आगे से बढ़ते बढ़ते वो 1000 में बदल जाता है। ओ भाई साहब, अरे फैबे ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी बात है। अभी ये कब की बात है? 1000 साल पहले की। मूर्ख यार मूर्ख मत क्या बार बार। मैं मूर्ख कहूंगा, आगे कहानी सुननी है तो सुनो वरना जाओ। ठीक है। तो ये चीज 1000 साल में एक बार जरूर होती है और आखिरी बार 1000 साल पहले, और पहली बार वो तब हुई थी 1000 साल पहले ही, और दूसरी बार वो अब हुई है और कल ही हुई है। इसका मतलब कल रात को हमारे शिनचैन के ऊपर कोई जादुई चमकता हुआ पत्थर आके गिरा, जिसकी वजह से वो 6 और 6 से 12 और 12 से 1000 बन गया। हाँ यही हुआ है। लेकिन ठीक कैसे होगा वो? ठीक करने के बारे में मुझे नहीं पता। अरे यार लेकिन मैंने वजह बता दी, ठीक करना तुम्हारा काम है। अरे लेकिन ये तो बता दे, ठीक करने का उपाय कैसे पता चलेगा? ठीक करने का उपाय पुरानी किताबों पुराने ग्रंथों में मिलेगा। ठीक है भाई सब ठीक है, पुरानी किताबों मिलेगा। अरे फैबिया लेकिन पुरानी किताबें लाओगे कहाँ से? पुरानी किताबें मेरे घर पे है। अरे तो अपने घर पे जाओगे कैसे? अबे हाँ ये भी बात सही है, अपने घर पे जाना तो गाइस शेर के मुंह में जाने जैसा है। अरे फैबिया तो बताओ ना यार, अब क्या करोगे? अब क्या यार, मेरे पास एक उससे भी तगड़ा आइडिया है। अरे क्या? मेरे घर पे जितनी पुरानी किताबें हैं ना, उससे भी कई साल पुरानी किताबें लेस्टर के घर पे मिलेंगी। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ तो लेस्टर अपनी पूरी की पूरी मामले में हेल्प कर सकता है। अरे तो चलो फटाफट से लेस्टर अंकल के घर। ओके सो गाइस, फटाफट से लेस्टर के घर हम लोग चलते हैं। आ जा भाई, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम ही है। अरे जेट्स की कोई ऊपर ले चलो। ठीक है भाई साहब, मेरे ड्राइविंग पे शक करता है तू। अबे अरे यार वापस नीचे लेकर आके, गलती से हो गई है। ओके सो गाइस, वापस से जेट्स की को मैं ऊपर लेकर आ चुका हूँ, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से चलते हैं यार। भाई साहब यार प्रेग्नेंट क्या हो गया? मैं सब कुछ तुझे रास्ते में बताएंगे, अभी फटाफट से हम लोगों को लेस्टर घर जाना पड़ेगा। भाई अब तेरे को डर खत्म हो गया यार शिनचैन का? अबे भाई साहब उन लोगों को ठीक करने के लिए हमें ये खतरा मोड़ लेना पड़ेगा। अरे मेरे को तो बैठे दो। जल्दी बैठ पिंचन। भाई साहब गाइस हम लोगों को जल्द से जल्द लेस्टर के घर पर फुल स्पीड में भगाते हुए निकलना पड़ेगा। अरे फैबे चलो थोड़ा और तेज भगाओ। ओके सो गाइस थोड़ा तेज भगाते, ये भाई साहब देखा मैंने ब्रिज कैसे क्रॉस किया? अरे हाँ यार बिल्कुल हीरो की तरह, सुपर हीरो की तरह। अरे यार ज्यादा सुपर हीरोगिरी मत करो, वरना जैसे वो बाइक के पेट
पेट्रोल की टंकी फट गई थी, ये वाली गाड़ी के भी फट जाएगी। हाँ यार सही कह रहा है। और वैसे भी गाइस ये देखो यार, ये गाड़ी कितनी ज्यादा गंदी हो चुकी है, धूल से सन गई है यार। फिलहाल तो गाइस हम लोगों को शिनचैन को ठीक करने का यार उपाय मिल चुका है। और गाइस क्या तुम लोग हमारी इस जर्नी में शिनचैन को ठीक करने की सपोर्ट करते हो तो फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक कर दो। अरे हाँ गाइस यार तुम लोग फटाफट से शिनचैन के आखिरी वाले सपने 30,000 लाइक तक पहुंचाओ। अरे हाँ गाइस फटाफट से इस वीडियो को 30,000 लाइक तक पहुंचाओ और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना। अरे फिर चलो। ओके सो गाइस फटाफट से निकलते हैं यार लेस्टर के घर के लिए, जहाँ पर मिलेंगे हमें 1,000 साल पुरानी किताबें। अरे फिर चलो।